ठीक है, क्या करेंगे हम लोगों ने प्रॉप्स हमने बनाया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसे अंदाज भी कर लिया। ठीक है, अंदाज करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मार्केट में बेसिक लेवल में यूज़ किया जाता है। बेसिक मतलब कि ये हर जगह चलेगा, आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको माया में मॉडल करना है, अंदाज करना है, इसके बाद आपको स्कल्पिंग करना है जीब्रस में, ये प्रोसेस आपको आना ही चाहिए। इसके बाद एडवांस प्रोसेस अगर आपको नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेसिक आपको आना चाहिए कि आपको यहाँ से मॉडल को कैसे लेके जाना है। ठीक है, फाइल में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन करो। आप यहाँ पे दो फॉर्मेट होंगे आपके पास यहाँ पे माया से जीबस में लेके जाने के लिए, वैसे फॉर्मेट बहुत हैं, एचटीएल भी है अगर आप 3D प्रिंटिंग के लिए बात करो तो, लेकिन जो मेजर ज़्यादा यूज़ करते हैं ओबीजे और एफबीएक्स, ये दोनों आपके माइंड में रहना चाहिए। ओबीजे एफबीएक्स में आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट किया आपने यहाँ पे, जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हो जो प्रॉप्स हमने बनाए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैंने लिया प्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मुझे लेके जाना माया टू जीबस, तो नेमिंग का ध्यान रखना है माया, ठीक है, एंड देन जीबस आप टाइप कर सकते हो। तो माया से जीबस में जब लेके जा रहे हो तो हम लोग माया जीबस यहाँ पे कर सकते हैं हमें। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, जीबस में आते हैं, जीबस को जब आप ओपन करोगे आपके पास ये कॉमा ऐसे करके आपका जीबस आएगा। ठीक है, कॉमा आपका बटन होता है एम के बगल में, कॉमा का बटन है, क्लिक करोगे तो ये लाइट बॉक्स ऑन ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सर जीबस का यूआई देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखा है जीबस 2021, ठीक है, दैट इज़ लाइक टाइटल बार, ये आपका मेन मेन्यू बार है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, यही मेन्यू में से एक मेन्यू यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज़ टूल, जैसे मुझे मान लो स्ट्रोक चाहिए तो मैं स्ट्रोक यहाँ पर क्लिक करना हूँ, स्ट्रोक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा बटन दिख रहा है, क्लिक करना बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर टूल्स में क्या, जैसे बाई डिफॉल्ट टूल्स होते हैं, सारे बाई डिफॉल्ट टूल्स हैं, इनको आप यूज़ करके देख सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया ई एम एस पार्ट, यहाँ पर आ गया, टी प्रेस करोगे एक्टिव हो जाएगा, बिना टी के एक्टिव नहीं होने वाला। ठीक है, टी मतलब एडिट। ओके, तो ये पूरा पार्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हम लोग वन बाई वन करके अभी देखते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे अभी यहाँ पर जो भी कोई मॉडल है, मैं मॉडल को माया से जीवस में लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लिखा हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई चलो मेरे पास प्रॉप्स है, प्रॉप्स मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, फ्लोर आप देखोगे, ये फ्लोर है मेरे पास, अब फ्लोर देखो, फ्लोर इतना बड़ा है, अभी देखो मैंने 10 times बड़ा किया था तो इतना बड़ा दिख रहा है, अगर 10 times छोटा हो तो बहुत छोटा दिखेगा, उसमें आपके ये ब्रशेज काम नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी ब्रशेज आप देख रहे हो आप यहाँ पे, अभी देखो ब्रशेज बहुत सारे हैं, आप अगर इसे इन ब्रशेज को बैठ के करोगे, ब्रशेज टूल्स जीबस को अगर प्रॉपर स्टडी करोगे, 6 महीने आराम से निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, तो इसको सीखने के लिए आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि हाँ अगर मैं आपको बहुत सिंपल से, अगर मैं आपको जस्ट डेमो दिखाऊं, तो अगर मैं अपने चैनल पर भी जाता हूं, तो चैनल पर अगर आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, तो जीबस में हर बार मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ नया कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत सी वीडियोज़ आप यहाँ पे देखोगे, जब आप सर्च करो आप यहाँ पे तो अनलिमिटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, मुझे भी काउंटिंग में नहीं पता कितने कितने टाइप्स हैं, अभी देखो हर बार कुछ नया करते हैं। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे तो आपको कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे प्रॉप्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि आप छोटे छोटे चीज़ों को कैसे बना सकते हो। छोटा सा पेंडेंट बना के देखो आपसे बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे अगर हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग करने में जैसे यहाँ पे वुड का, ये भी मैंने माया से लाइक एक्सपोर्ट करके जीबस में ले गया, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, मुश्किल से मुश्किल आप देखोगे तो 11 मिनट में कवर हो जाएगा, अगर आप लोगों को नेपर टेक्सचर आता है तो। सिंपल चीज़ बता दो, जैसे सिंपल सा डमरू बनाओगे तो कैसे डील करने वाले हो, कॉइन पे कैसे काम करने वाले हो, छोटे से रिंग कैसे बना रहे हो, ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या है कि आपका माया से कैसे अपने फाइल पर आपने स्कल्प किया, जीबस में स्कल्प करने आप वापस माया के फाइल में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, तो ये लो पॉली मॉडल, इसमें ये डिटेलिंग वाला पार्ट यहाँ पर दिखा रखा है। तो प्रोसेस बहुत है, अब देखो कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो अभी इस इन सबों को कवर अप करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका बेसिक आपका स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स पे कैसे काम करना है, चीज़ों को ब्रेक करना है, हम लोग ये वाला मेथड इसमें यूज़ करने वाले हैं, पॉली पेंडिंग वाला, कि भाई हम लोग पहले इसमें स्कल्प करेंगे, स्कल्प करने वाले हम लोग चीज़ों को कैसे यूज़ करने वाले, तो बेस थोड़ा आपको आइडिया मिलना चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स को बनाना, जैसे देखो वुड लुक एंड फील आपको देना आना चाहिए कि आप वुड को वुड का लुक एंड फील दे दो। ठीक है, जब धीमे धीमे आप करेक्टर पर जाओगे तो करेक्टर की एनाटॉमी भी यहाँ पर दिए, कि करेक्टर का अनाटॉमी को कैसे आप लेके काम करोगे, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी आप पहले बेसिक बेसिक चीज़ों को करना स्टार्ट करो। ठीक है, जीबस में अगर आप काम कर रहे हो, जीबस के लिए जैसे स्टार्टिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, तो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जैसे जो कोई भी छोटा सा प्रॉप्स है इसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा करेक्टर है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखो, सिंपल सा टाइम लैप्स करेक्टर है, आप यहाँ पे देखो तो ये भी बहुत जल्दी से कवर अप किया गया यहाँ पे। ठीक है,
ऐसे छोटी छोटी चीज़ को बनाने की प्रैक्टिस करो ताकि आपको यहाँ पे काम आसान हो जाए, आपको समझ में आए। क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों को करोगे तब तक आपके लिए आईटीआई नहीं होगा। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में आपको ये बोलूँगा, बेसिक बेसिक चीज़ को फुलफिल करना स्टार्ट करो, बड़ी चीज़ को मत पिक करना, ठीक है। तो वापस हम लोग यहाँ पे आ गए, शिफ्ट एफ, यहाँ देखो शिफ्ट एफ फॉर वाई फ्रेम, ठीक है। ये वाई फ्रेम आपके यहाँ पे दिखेगा। अभी हमें करना क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक में ही आया यहाँ पर, ठीक है। मैंने कई में, जैसे अब जो मैंने ट्यूट्स दिखाया उसमें मैंने कई में प्रोसेस ऐसे भी बताया, एक एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। जब एक एक ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो उसमें आपको अपेंड की नीड होगी। अपेंड यहाँ दिख रहा है, अपेंड का पार्ट होगा, तो वो प्रोसेस एक बार देखना जिसमें दो तीन ऑब्जेक्ट में लेके आऊँ। यहाँ पर मैंने एक में एक्सपोर्ट कर लिया, सब में कंबाइन हो गया, ओके। कंबाइन के बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे पास स्प्लिट आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्रुप स्प्लिट करके देखूँ, ग्रुप स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है ठीक है। स्प्लिट टू सिमिलर पार्ट्स, यहाँ देखो यहाँ पर आपको देखेगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर पार्ट में क्या, ये पार्ट आपका अलग है, ये पार्ट आपका अलग है, ये पार्ट आपका अलग है, देख रहे हैं आप। अभी इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। अगर मैं किसी भी चीज़ को मैनेज करने वाला हूँ तो मैं कैसे करने वाला हूँ, देखो मैं बस अभी इन चीज़ों को भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बस ग्रुप होता है, ग्रुप देखें यहाँ पे, पॉलीग्रुप्स, पॉलीग्रुप्स का बहुत मेजर यूज़ होने वाला है। तो आपको यहाँ पे देखोगे ज्योमेट्री है, एरेमेज, ठीक है, लेयर फाइबर ज्योमेट्री, ठीक है, वेयर इज द ग्रुपिंग पॉलीग्रुप्स, ठीक है। पैरामीटर इतने आप इसमें घूम जाओगे तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटो ग्रुप करके देखो, यहाँ पे ऑटो ग्रुप क्लिक करोगे देखो सबका कलर चेंज हो गया। अब इसका बेनिफिट बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक करो, टैब, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक बाहर किया मैंने, आ गया। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे जिस पे आप क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक बाहर करो, ठीक है। ये बेसिक फंडा आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये ग्रुपिंग के साथ है कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मैं इसे ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ऑल क्लिक किया, ये ऑल क्लिक किया, ये जो अलग हैं तो अलग हैं ही। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको स्प्लिट दिखाया था, मैंने सब टूल में गए, यहाँ पे ग्रुप स्प्लिट है, इसमें मैं गया, मैंने ग्रुप स्प्लिट किया। अभी स्प्लिट करूँगा, उसने पहले मना क्यों किया, क्योंकि उस टाइम ग्रुप ही नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया कि मेरे पास ग्रुप नहीं तो मैं ग्रुप स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ। ओके देखो सारे पार्ट मेरे पास अलग अलग आ गए। तो माइक से हम लोग ओबीजे जो फाइल लेके आएंगे, हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग लेयर पे। आफ्टर देन जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्लिक करना, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो मैं दूसरे लेयर में, अब मुझे ये लेयर पास पास चाहिए, दिस वन, यहाँ देखो नीचे आएगा क्या, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अरे यहाँ देखो मुझे यहाँ पे क्या करना, ये मेरा पार्ट है, ठीक है, मुझे ये वाला पार्ट कहाँ गया। अब देखो कोई चीज़ ऑफ ऑटोमेटिक हो गया, यहाँ पे फोटोशॉप जैसा आइज है ना, आप आइज आप ऑन ऑफ करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। तो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। अब इन दोनों को पास में लाने का मतलब क्या, मोटिव क्या है, यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन एंड दिस वन दोनों को मैंने क्या किया, मर्ज करना है, ठीक है। मर्ज क्यों करने वाला हूँ ये भी बताता हूँ। मर्ज डाउन किया मैंने यहाँ पे, ओके, दोनों एक में आ गए, ठीक है। अभी हम लोग को क्या काम करना है, जब हम लोग जीवस में काम करते हैं या माया में काम करते हैं, माया में क्या होता है, जो दोनों को जोड़ने में वर्टेक्स पॉलीगन हम लोग कैसे कैसे मैच करते हैं, जोड़ना मुश्किल होता है, यहाँ पे जोड़ना आसान है। कि तो शिफ्ट एफ ध्यान देना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप दोनों को यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री में चलते हैं यहाँ पे, डायनामिक्स, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, जोड़ गया क्या, ध्यान से देखो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, मुझे डायनामिक्स में यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, रेजोल्यूशन 128 है, मैंने कर दिया 512 और मैंने अभी क्लिक किया यहाँ पे, मिला आइडिया मिल रहा है, ठीक है। शिफ्ट एफ, अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो पहले क्या काम करना है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, जोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो बिग ब्रैकेट ये आपका ड्रॉ साइज देखें, ये ड्रॉ साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, शॉर्टकट आपका बिग ब्रैकेट है यहाँ पे, बिग ब्रैकेट से मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन शिफ्ट स्मूथ करते मैंने, अभी यहाँ पे जोड़ गया क्या, यहाँ पे लग तो नहीं अलग सा पार्ट यहाँ पे, ये मैनेज कर दो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं मैनेज दोनों तरफ करने जा रहा हूँ, देखो एक्स ऑन करो, एक्स फॉर सिमेट्री आया क्या यहाँ पे। अब ये दिक्कत आप लोग प्रॉब्लम फेस करने वाले हो कि आपने यहाँ पे एक्स ऑन किया, एक्स पे देख नहीं रहा, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, वेयर इज अवर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मैंने यहाँ पे एक्टिव सिमेट्री किया, ठीक है, एक्टिव सिमेट्री मैंने एक्स ऑन किया, एक्स पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो पहले ढूंढो कहाँ पे, नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक लोकल सिमेट्री है। तो सबसे पहला काम यही हमारे यहाँ पर, सिमेट्री में अगर मैं पे काम करूँ तो मैं सिमेट्री एक्स पे काम कर रहा, वाई पे काम कर रहा है,
देखो दूसरा आएगा यहाँ पे, एक्स पे नहीं काम करेगा, जेड पे काम करेगा, क्या जेड पे आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक कर लेना, आपको दिख रहे हैं दोनों पॉइंट, इट मीन्स कि हमारा सिमेट्री ऑन हो गया है, ठीक है, आप लोग इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। देन अभी सिमेट्री हम लोगों ने ऑन कर लिया, सिमेट्री में अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कैसे काम कर सकता हूँ, जस्ट शिफ्ट यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये रफ सी जो लाइन है उस रफ सी लाइन को थोड़ा सा हल्का शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट से स्मूथ होता है, देखो शिफ्ट प्रेस करूँगा यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, शिफ्ट से यहाँ पे स्मूथ ये देखो, ये देखा इंटेंसिटी 100 है, मैंने कितना कर दिया, मेक श्योर आपको ध्यान है कि भाई शिफ्ट आपका स्मूथ के लिए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट ठीक है भाई मैंने मैनेज किया, अभी चलो तो हम लोग जस्ट एक बार रेफरेंस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नॉट एक्जैक्टली कहाँ सिमिलर थोड़ा सा लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं पहले क्या काम करता हूँ, टूल्स को समझाता हूँ, तो टूल्स में मेरे पास यहाँ पे देखो यूआई है, यूआई में देखो यहाँ पे क्या अलग अलग यूआई दिखेगा, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे टूल्स यूज़ ना करने पड़े, ब्रश से ज़्यादा यूज़ ना करने पड़े, तो कुछ लिमिटेड मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस पर ये दिस इज लाइक गुड यूआई, ये मैं यूज़ करता हूँ यूजली, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश है, स्टैंडर्ड ब्रश मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इनको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैनेज करने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, मैंने इसको एग्जैक्ट तो नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, देखना अभी अभी यहाँ देखो बीच में दिखे कैसा पार्ट था, कट जैसा पार्ट दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्मूथ करके मैनेज कर सकते हैं, हुआ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्ट ट्रिम डायनेमिक, ट्रिम डायनेमिक से क्या होता है ये देखो जस्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा कट शेड यहाँ पे दिख सकता हूँ, साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, देखो देखना भाई, तो लाइक दिस वैसे कुछ मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखना भाई। अब देखो ये सब चीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्या, लाइक अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ मैं बनाना स्टार्ट करूँ किस में, माया में, तो थोड़ा सा मुश्किल और टाइम टेकन भी हो जाएगा। कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी से क्या होता है, देखो यहाँ पे ज्योमेट्री दिखना है भाई, डायनेमिक्स मेरे पास यहाँ पे डायनेमिक्स में ऑन, यहाँ पे देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, डायनेमिक्स का मतलब क्या, जैसे देखो मैंने स्विफ्ट एफ किया यहाँ पे, मैं डायनेमिक्स में पहले एक बार डायनेमिक्स बताता हूँ फिर स्मूथ बताता हूँ आपको, डायनेमिक्स में क्या है, मैंने क्लिक किया कंट्रोल एंड क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो अपने आप ऑटोमेटिक मैस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो भी कोई भी काम करने वाला हूँ, तो क्या देखना ये स्विफ्ट एफ मुझे लगता है, तो भैया कट कर रहा है यहाँ पे, एक रेड मटेरियल है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने चेंज करना चाहता हूँ, तो बेस मटेरियल पे गए यहाँ पे, ये मटेरियल चेंज करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग जो ब्रशेज यूज़ करें दैट इज ट्रिम डायनेमिक, ट्रिम डायनेमिक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ किया, तो उसमें मैं दिखाना चाहता हूँ भाई मेटलिक है थोड़ा सा कट आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाना चाहता है, थोड़ा थोड़ा सा वो कर लो साइज ब्रश का, ठीक है। आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। देन आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे साइज छोटा करना, अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि साइज छोटे में कितना बढ़िया काम कर रहा है, साइज बड़े में कैसे काम कर रहा है, देखो अभी ये कितना बढ़िया जॉइंट यहाँ पे हो गया। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करने वाला हूँ, फ्लोर को कर देता ऑफ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। देखा आप अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल वर्ड शिफ्ट एंड स्मूथ मैनेज करूँ, ये पार्ट मैंने राउंडनेस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मेटलिक पार्ट में यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान देना पड़ता है, कहीं से तोड़ रखा है, तो यहाँ पे तोड़ने के लिए क्या है, मैं भी डायनेमिक्स ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, एक डिवीजन देता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाई रेज है, यहाँ पे हाई रेज का मतलब जितना इसका हाई सेगमेंट हो सकता है वो आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो लाइक टू ऑटो एक्टिव डायनेमिक्स, ठीक है। देन शिफ्ट एफ प्लस को सेगमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ना है, तो साइज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, अभी यहाँ पे चीज़ों को ब्रेक करना है, तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कौन सा टूल है आपका, आपको ब्रशेज है ट्रिम डायनेमिक, तो ट्रिम डायनेमिक से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कट देना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट दिया यहाँ पे, ठीक है। कट मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट चीज में प्रोमिनेंट भी दे सकता हूँ, स्टैंडर्ड ब्रश में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रश में आ गए, स्टैंडर्ड ब्रश में मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो फोकल शिफ्ट है, मैं फोकल शिफ्ट को मैंने ऐसे पतला कर दिया, तो वैसे यहाँ पर लाइनें ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। देखना पे ये जो कट पैसे दे रहा हूँ पॉसिबल है, अभी जैसे जब हम लोग कट बनाएंगे तो सिमेट्री वाले बनाते तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे कट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक्स ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा कट बना रहा, तो मैं यहाँ पे कट ऐसा चाहिए, देख रहे ये पॉजिटिव बाहर आ रहा है, यहाँ पे जेड सब है, तो मुझे अंदर की तरफ ले जाना है, तो मैं अंदर की तरफ यहाँ पे मैं कट दिखा देता हूँ, ये छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ऐसा कट कट बनाने तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट सपोज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसे कट बनाना है, तो मैं ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये देखो, ओके। ऐसे अब ये छोटी छोटी चीज़, अभी ये क्या, ये हम लोग जो डिटेल बना रहे हैं ये हमारे लाइक पॉली में काउंट में नहीं आएगा, अगर हम लोग माया में जाकर बनाएंगे तो पॉली काउंट पर आएगा, लेकिन जीवस में जैसा ऐसे छोटे छोटे कट बना रहे तो वो चीज़ उसमें नहीं आता, ठीक है। यहाँ देखो ये पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, अभी मैं चूहे को तो मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, ये कुछ ऐसा भी पॉइंटेड से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं,
तो हमने क्या किया, अभी टूल कौन सा यूज़ किया, स्टैंडर्ड ब्रश है, फोकल शिफ्ट हमने यूज़ किया, फोकल शिफ्ट से जो छोटा करो छोटा हो, जितना पॉइंट एड कर देखो, यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइन है आपके साथ, कुछ पार्ट देखना आप लाइक दिस, ऐसा करके मैं चूहे को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक, अभी देखो पहले नीट एंड क्लीन था, अभी लग रहा है कहीं से टूटा फूटा कट, यहाँ पे कुछ मैनेज लग रहा है यहाँ पे। तो जब भी आपको कभी ऐसा कुछ बनाना पड़े तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिमेट्री आपको यहाँ पर ऑफ करके बनाना है। ठीक है, यहाँ लगे कि मुझे सिमेट्रिकल वर्क करना है तो मैं सिमेट्रिकल वर्क करके मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक ऐसा कुछ मैंने दिखा दिया यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा कट दिखाया भाई मैं बस ऐसा कुछ काट रहता हूँ। अभी ये आपको सिंपल सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ आप काम ऐसा कुछ करने वाले, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी दिखाया। ओके, तो अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे मुझे व्यू पोर्ट पर अगर टर्न करना है तो मैं सिंपल लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके मैं टर्न कर सकता हूँ। ठीक है, व्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करेक्टर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रंट साइड लेफ्ट ऐसा होता है, उसमें जैसे माया जैसा नहीं होता, आपको चार व्यू नहीं मिलने वाले यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर अगर कोई भी काम करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया तो ये आपको व्यू इस करेक्टर को देखोगे तो ये देखो टॉप व्यू दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए करेक्टर यहाँ पे दिया था कि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ को थोड़ा सा और मैं मैनेज करना बैलेंस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या ट्रिम डायनेमिक टूल को लेके अभी मैं एक्स ऑन करने वाला हूँ, एक्स प्रेस कर दोगे ध्यान देना आप ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल आपके यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को ऐसे कुछ मुझे ब्रेक करना है, तो कहीं कहीं से मैं थोड़ा सा साइज़ को ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया थोड़ा सा प्रोमिनेंट देख रहे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे। ठीक है, साइज़ को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया है दोबारा। ओके, इसमें थोड़ा सा वर्कआउट दिखना चाहिए, आपने थोड़ा सा काम किया ये लगे कि यहाँ पे कुछ है, ऐसा नहीं बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना दिखे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे मैं चीज़ को ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। सिलेंड्रिकल बिल्कुल प्रॉपर शेप नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये जस्ट लाइक दिस ये दिखा पार्ट यहाँ पर, आप ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देन इस पर भी आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रिम के अंदर मैं आपको दो चीज़ और बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने जो ट्रिम ब्रश यूज़ किया, यहाँ पे देखो लाइट बॉक्स होता है, लाइट बॉक्स में जाओगे यहाँ पे ब्रशेज मिलते हैं, दिस इज योर ब्रशेज। ठीक है, ब्रशेज में देखो इतने सारे ब्रशेज हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि आप सारे ब्रशेज मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। काफ़ी जो मेजर यूज़ होने वाले मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत से यहाँ पे ब्रशेज हैं यहाँ पे। ठीक है, इन ब्रशेज के साथ मैं ट्रिम पे चलता हूँ, ट्रिम पे गए, ट्रिम के भाई बहन सब यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, देखो एक ट्रिम जो मेजर यूज़ में आता है वो यहाँ पे दे देगा, लेकिन ये साइड आप दोनों को तो मिलेगा नहीं, ये आपको यहीं जाके मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रिम डायनेमिक सिल्वर ये अच्छा है। ठीक है, क्या काम करेगा, अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पर हल्का सा मैं यूज़ करता हूँ तो देखो हल्का सा यहाँ पे बीच के पार्ट भी दिखेगा, लग जाएगा यहाँ पे साइड में देखो, तो आपको बीच वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा कुछ काम ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। बीच वाले पार्ट में बहुत बढ़िया काम करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट ऐसा कुछ यूज़ कर लिया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं कि हमने बिल्कुल फ्लैट सरफेस ले लिया मैंने यहाँ पे और फ्लैट सरफेस मैंने यहाँ पे काम किया, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैट लेक इन सब चीज़ के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली दो होता है ना जब लोहे वो होते हैं, लोहे पर बहुत पीटा होता है। ठीक है, थोड़े से आप मारोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आपका अलग से दिखता है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे देखें भाई, देखें यहाँ पे कैसे कैसे पार्ट्स आपके पास यहाँ पे हैं, कहीं पर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा तोड़ रखा है तो तोड़ने पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट का थोड़ा सा मैनेज करना है, मैं मैनेज कर सकता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और पॉइंटेड यहाँ पे करना है, तो मैं किसी चीज़ को अगर थोड़ा सा मुझे मैस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आई कैन मैनेज लाइक दिस। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, देखो ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट में मैनेज करना तो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस पर काम करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सर्फेस पर आप देखोगे, सर्फेस पर आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े तो अभी आपको कोई सर्फेस बिल्कुल फ्लैट नज़र नहीं आने, फ्लैट जैसे दिखा अभी ये लाइन है ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं कर दिया यहाँ पे, मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे वो पार्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे करके थोड़ा सा स्कल्प करोगे तो आपको यहाँ पे काम मिलेगा। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, देखो ये लग रहा है काम किया वो। ठीक है, इसमें आप देखो छोटा साइज छोटा करके आप यहाँ पे दे सकते हो, बिल्कुल फ्लैट में छोड़ देना क्या, अगर आपने फ्लैट छोड़ दिया तो पता चलेगा आपको लोगों को लगे स्कल्पिंग का नॉलेज नहीं है। तो व्हाट यू वॉन्ट यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को हल्का हल्का यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कोई भी पार्ट कोई भी ऐसा पार्ट हम लोग यहाँ पे ओके। यहाँ देखो बीच वाले पार्ट का देखो आप ट्रिम डायनेमिक एक बार यूज़ करके देखना, बीच वाले पार्ट बहुत बढ़िया काम नहीं करता क्या, ट्रिम वाले को अगर आप यहाँ पे करते हो यहाँ पे देखो भाई बहन इसको यूज़ करो। ठीक है, ट्रिम आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट के स्टेप से काम करने वाला है। ठीक है, नॉर्मल के स्टेप से काम करने वाला है। ठीक है, आपका फ्रंट है, स्मूथ है। ठीक है, यहाँ पे
इसमें कई चीज़ ऐसे प्रोमिनेंट भी, जैसे देखना पे मैं जो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, देखना पे अभी इन्हीं चीज़ को यूज़ करके इसके भाई बहन क्या है। जैसे अगर मैं मैंने ट्रिम यूज़ किया, मेरे पास और भी ऑप्शन है, बी प्रेस करूँगा बी फॉर ब्रश, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया एफ़ फॉर फ्लैटन, एफ़ प्रेस करो फ्लैटन भी है, तो फ्लैटन से भी आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। एक ही काम करने के दो चार टूल, सिमिलर टूल भी मिलेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ्लैट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं, देखो फ्लैट दिख रहे हैं, ये देखो ओके। तो हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं भाई, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर काम करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी होने वाला है, ठीक है। फ्लैटन है, इसी टाइप से मैं अगर बी प्रेस करता हूँ, बी से ब्रश आएगा, पी फॉर प्लानर, ठीक है। प्लानर देखना है भाई, ये भी यही काम करता है, लेकिन एंगल डिपेंडेंट है, एंगल पे, जैसे एंगल पे बहुत बढ़िया काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखना ये देखना भाई, एकदम से बहुत ज़्यादा सॉलिड कट करने वाले हैं यहाँ पे, देखो ऐसा देख रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ पता रखना पड़ेगा भाई, मैं किस जगह पे मैं कैसा कट देने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे लगे मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कट करना है, तो मैं ऐसे देखो यहाँ पर देखना भाई, ये एक एंगल वाइज ही काम करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। आपने देखो एंगल है तो एकदम से बहुत सॉलिड कट करने वाला है, देखना भाई ऐसे करके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो प्लानर हमने देखा, देखिए हमने ट्रिम डायनेमिक देखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखें, ये जब लगे चीज़ें मैनेज हो सकती तो मैनेज करना है, तो अदरवाइज देखो यहाँ पे छोड़ देना है। मेरे पैसे मैनेज नहीं है, मैं ट्रिम डायनेमिक से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम भी है, बी प्रेस करो, देखो ट्रिम डायनेमिक भी है, ट्रिम का पार्ट आपका, ट्रिम अडेप्टिव भी है। ट्रिम अडेप्टिव क्या काम करता है, ये आपका डायनेमिक मतलब आपके देखो यहाँ पे वो अलग अलग एंगल पर आराम से घूम के काम करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें यहाँ पे, ये अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सिंपल एक ही उसमें काम करने वाला है आपका, ठीक है। ये लाइक बहुत बड़े ऐसा इंपैक्ट नहीं देगा, लाइक इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे इस ऐसे जगह बहुत बड़े काम करेगा, देखने पर कॉर्नर जगह पर, मुझे कॉर्नर जगह पर थोड़ा सा काम करना है, तो मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ काम दिखाना है, तो देखो अभी आपको थोड़ा आइडिया मिला कि हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करें। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कट बनाया, देखो मैनेज करना है भाई, चीज़ों को मैनेज किया, मेंटेन किया कि भाई चलो ऐसे कुछ कट करना है, चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे देखो। तो अभी इन चीज़ को देखो यहाँ पे, जब ऐसा लगेगा ऐसा ऑड लगेगा, ये आपको ध्यान देना कि आपको किस टाइप से काम करना है, यहाँ देखो कैसे कट हो रहा है यहाँ पर। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पर कट करो तो आपको ब्रशेज, आपको आइडिया मिलना चाहिए कि किस टाइप से आप काम कर रहे हो, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पार्ट किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, ठीक है, शिफ्ट एफ, वायर फ्रेम देखो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं सिंपल डिवाइड करता हूँ, देखो डिवाइड करते शेप चेंज हुआ, अंडो किया मैंने यहाँ पे, ध्यान देना मैं इसमें एक मेथड और आपको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक SMT है, SMT मतलब स्मूथ, ठीक है। मैंने क्लिक किया, इसे ऑफ कर दिया, फिर डिवाइड किया, तो अभी देखो शेप खराब नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन बताया। मैंने देखो यहाँ पे डिवीजन बढ़ रहा है यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, तीन डिवीजन दिया। अभी मैं SMT ऑन कर रहा हूँ, अभी स्मूथ हुआ, ठीक है। शिफ्ट एफ यहाँ पे देखना है भाई, अभी आपको पता है जैसे मैं अगर एक्स ऑन करता हूँ, यहाँ पे एक्स आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लोकल सिमेट्री है, ट्रांसफॉर्म पे गए, जेड यहाँ पे, ये जेड पे आना चाहिए, ये आ गया, ठीक है। अभी मैं इनको यहाँ पे क्या करूँ, जस्ट थोड़ा स्मूथ, ये तो मैंने स्मूथ कर दिया, पहला काम मेरे पास यही होगा कि मैं नॉर्मली स्मूथ कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। हल्का था, देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडू करूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ पे देखो शेप खराब हुआ, ठीक है। तो मैं शेप खराब नहीं करना, शेप प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, ताकि लिमिट से ज़्यादा स्मूथ ना हो, ओके। तो एज यूजल हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, ट्रिम डायनेमिक लिया मैंने यहाँ पे, ये देखो आप मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिवीजन की नीड पड़ी, कंट्रोल डी दो, डिवीजन आपका यहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले मुझे यहाँ पे कॉर्नर ब्रेक करते, मैं कॉर्नर पर भी यहाँ पे आता देखा पे, देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी हो जा रहा है, इट मीन्स मुझे डिवीजन की नीड है, कंट्रोल डी दिया मैंने यहाँ पे। मैं माया से कोई भी डिवीजन डाल के नहीं लाया था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ पर डिवीजन दिया, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी यहाँ पे। फ्लैट तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे, मेरे पास अभी ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा कुछ पार्ट है जिनको मैं थोड़ा सा ऐसे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइक सिंपल सा पार्ट मैं ऐसे थोड़ा सा यूज़ करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। कटिंग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप सेकेंड कट में ऐसा कुछ देना तो आप ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो याद रखना, अगर आपने डिवीजन देना भूल गए तो ये ऐसा आएगा नहीं, मेक श्योर एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हो तो दिक्कत है, ठीक है। दूसरी चीज़, बी प्रेस करो, एफ प्रेस करो, एफ फॉर फ्लैटन, आप यहाँ पे देखो फ्लैटन से मेरे पास कैसे जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मुझे यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेना, मेरे पास फ्लैटन अच्छा दे रहा है या ट्रिम डायनेमिक अच्छा दे रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मुझे ऐसे कुछ यहाँ पर इफेक्ट दिखाना है। तो मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर यहाँ पे स्टाइलिश प्रॉप्स के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, तो
आई कैन मैनेज लाइक दिस। ठीक है, अभी देखो दूर से आपने यहाँ पे दिखेगा, अभी जिस पर मैंने काम किया यहाँ पे, मैं सिंपल एक मटेरियल चेंज करके दिखाता हूँ। मैं क्लिक यहाँ पे मटेरियल बाई डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जस्ट ये देखो, तो आपको मेटल का लुकन फील आपको यहाँ पर आराम से दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सेम प्रोसेस मुझे भी यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने मटेरियल लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर से ध्यान दो, सेफ टैप, यहाँ पे सेगमेंट कम है, जहाँ सेगमेंट कम होता है वहाँ पे एसएमटी मुझे ऑफ करना है। देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, सेप खराब हुआ, इट मीन्स हमें ये स्मूथ के साथ नहीं काम करना, तो मैंने अंडू किया कंट्रोल जेड। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे एक अंडू आपको यहाँ पे भी ये दिख रहे हैं ऐसे और ये। ठीक, मैंने एसएमटी कर दिया ऑफ, स्मूथ कर दिया ऑफ, यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, ये कई बार लगता है कि हमने कुछ किया कि नहीं किया, यहाँ पे दिखेगा डिवाइड हुआ, यहाँ पे तीन बार डिवाइड किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एफ एक बार ऑन ऑफ करो तो आपको दिखेगा, शिफ्ट एफ मतलब वायर फ्रेम ऑन ऑफ करोगे तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता। तो मैंने तीन चार डिवीजन दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं एसएमटी ऑन करता हूँ, फिर स्मूथ करूँगा, देखो अब कॉर्नर स्मूथ हुआ यहाँ पे। ओके, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, शिफ्ट एफ यहाँ पे मैंने काम कर दिया, मुझे सेम चीज़ मुझे मेटलिक का लुक एंड फील देना है। ठीक है, थोड़ा सा मेटलिक लुक एंड फील देने के लिए फिर से मुझे आपका ट्रांसफॉर्म में गया, एक्टिव सिमेट्री पे गए, यहाँ पे जेड पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी भी लगता है, देखो यहाँ जब एजी एजी दिख रहे हैं यहाँ पे, इट मीन्स अभी भी मुझे डिविजन की नीड है, लग रहा है इससे एंटी लेजिंग टाइप से इम्पैक्ट दिख रहा है, एक छोटा छोटा पॉलीगन यहाँ पे दिख रहा है। तो कंट्रोल डी, जब तक आपका स्मूथ नहीं है तो काम नहीं करना। ठीक है, अब देखो स्मूथ हुआ, ये एक मतलब कि एक स्कल्पटिंग आर्टिस्ट की पहचान होती है, वो देख के समझ जाए। देखो यहाँ पे देखना, मैं उस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे इन चीज़ को मैं कुछ स्टेप से मैं काम कर सकता हूँ। मैंने कौन सा टूल ले रखा है, ट्रेन डायनेमिक लेता हूँ, ट्रेन डायनेमिक से मैंने हल्का सा डायनेमिक यूज़ करना। ठीक है, डायनेमिक से आप यहाँ पे चीज़ को ब्रेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ट्रिम अडेप्टिव मत ले लेना, जहाँ तुमने ट्रिम अडेप्टिव लिया तो इसका इम्पैक्ट अलग और अपोजिट आने वाला है। ठीक है, तो मिक्स यूर आप देखो यहाँ पे, तो ऐसे चीज़ों को मैं यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ इस तरह स्कल्प कर देता हूँ अभी। ठीक है, जो कॉर्नर्स में थोड़ा सा ब्रेक करने होते हैं, जितनी पुरानी चीज़ होगी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेटलिक में थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि यहाँ पे लगे कि कहीं पे लाइक मेटल से एक दूसरे को जब टकराते हैं तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट देखता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे तो जल्दी से ये चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा मैनेज किया, यहाँ पे थोड़ा मैंने मैनेज किया यहाँ पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे जल्दी से जल्दी मैंने कवर अप कर लिया यहाँ पे, टाइम नहीं लगा। अभी जैसे मेरे पास कट बनाने का भी टूल होता है, तो मैंने किया बी फॉर ब्रश एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी प्रेस करता हूँ, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड टूल। ठीक है, सिमेट्री मुझे ऑफ करना है। देखो यहाँ पे कुछ स्टाइलिश में ऐसा होता है, कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसे डॉट्स ऐसे ऐसा कुछ यहीं पे, ये भी होता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं पे मुझे तो होता ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, देखते हैं छोटे छोटे डेंस हल्का सा पार्ट। ठीक है, आप ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो ये चीज़ मैंने मुझे यहाँ पे भी करना था, ऑल डन क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को ऐसे मैं थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहीं के छोटे छोटे डॉट स्टाइलिश अगर प्रॉप्स देखोगे तो उसमें कई बार ऐसे कुछ देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो और जाना आ जाते हैं। ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, स्विच कैसे करो, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे कट बनाना है, कट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे सिमेट्रिकल नहीं चाहिए तो मैंने एक्स ऑफ कर दिया, यहाँ देखा इससे कट बहुत प्रोमिनेंट बनने वाला है यहाँ पे। तो ये अगर आपको किसी को लगे कि मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कट बनाना है तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से मैं दिखा सकता हूँ, सिमेट्रिकल मत बनाना। बार बार आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई सिमेट्रिकल मत बनाना, तो क्या लगेगा कि वो चीज़ ऐसी लगेंगी भाई आपने, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कट आप बना सकते हो। हम लोग अल्फा भी यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी अल्फा भी यूज़ करने का प्रोसेस आएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे कि मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारे बोर्ड के लिए भी अच्छा काम आने वाला है, हल्का हल्का छोटे छोटे कट्स मैंने बना दिए तो थोड़ा सा लुक वाइज बेटर दिखने वाला है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी धीमे धीमे छोटे छोटे चीज़ को आप अगर एड ऑन करोगे तो आपका सी आएंगे यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का कट यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो आ रहा है यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ टू और मैं यहाँ पे हल्का फुल्का टच टचअप दे रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए दिखनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो मैंने डैम स्टैंडर ही ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, विजुअल है कि नहीं अभी, देखो ठीक है, ये देखो यहाँ पे हल्का फुल्का मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलर से लाएंगे तो वो और लगेगा यहाँ पे, छोटे छोटे डॉट्स दिस इज़ गुड, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। ओके, आप ऐसे करके थोड़ा बहुत आप चीज़ों को हल्का हल्का कहीं कहीं पर
मैनेज कर सकते हैं आप। देखो तो 41 प्रॉप्स में आपको यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलेगा क्या, छोटे छोटे डॉट्स। देखो ये चीज़ हम लोग यहाँ टेक्सचर में कर देते हैं, ये हमें स्कल्पिंग में करना है पे, ठीक है। तो मैं पे स्विच कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को देखा यहाँ पे कि कैसे मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ पे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे काम करने के बाद अभी मेरे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ हमारा वुड आता है, ठीक है। वुड पे आते हैं, वुड पे मैं यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ स्विफ्ट एफ वायर फ्रेम, मतलब सेगमेंट कम है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एस एम टी ऑफ डिवाइड 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 4-5 दो, फिर एस एम टी ऑन करो, ठीक है। और कंट्रोल क्या करता है, स्विफ्ट एफ, स्विफ्ट एफ, यहाँ देखो सेगमेंट ज़्यादा आ गया, डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड आएगा आपको बढ़िया सा, ठीक है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड पे गए, स्विफ्ट एफ, यहाँ देखो यहाँ पे बस क्या चाहिए मुझे, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ ट्रांसफॉर्म पे गए, ट्रांसफॉर्म में मैं बस एक्टिव सिमेट्री रेट पे ही काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मूथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे स्मूथ का लेवल यहाँ पे बढ़ाने को, जब डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये वर्क भी बहुत बढ़िया नहीं करेगा। तो मैं डिवीजन कम कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ, ठीक है। स्विफ्ट एफ प्रेस करके यहाँ देखना, तो कंट्रोल डी है, फिर डी, देखो डी से ऊपर जा रहा है, स्विफ्ट डी से नीचे आ रहा है, समझना। कंट्रोल डी से बढ़ता है, स्विफ्ट डी से कम होता है, और डी से अप डाउन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको देखो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, मैं कहा भाई ये काम करो और स्विफ्ट प्रेस करके इसको बढ़ाओ, देखो। और ये भी ध्यान देने का, देखो यहाँ पे कुछ और देखना है कभी कुछ ऐसा लगे, ये यहाँ देखो, तो ये जेट सब अगर हो गए तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। तो मैं पहले तो फ्लैट कर लेता हूँ, फ्लैट समझ लो यहाँ पे, आप यहाँ पे साइज़ बड़ा कर लो, आप यहाँ बिग ब्रैकेट से बड़ा कर लो, ठीक है। ये जस्ट हल्का सा स्मूथ कर लो, मुझे यहाँ पे हल्का सा स्मूथ चाहिए, एक बार में मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है। कर सकते हम लोग यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। और देन ये पार्ट में यहाँ से हल्का सा मैं मैनेज कर सकता था, ओके। यहाँ ध्यान देना, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है, तो यहाँ पे तो होता मैंने, ठीक है। डी प्रेस कर दिया मैंने, और फिर डी प्रेस कर दिया, डी से मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हर लेवल पर थोड़ा सा स्मूथ का आपका काम करना पड़ेगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमने काम कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने बेसिक सा पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिया, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड टूल, ठीक है। डैम स्टैंडर्ड से मैंने यहाँ पे क्या किया, साइज यहाँ पे तो 2-3 बार करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं लिटिल बिट यहाँ पे लाइट में यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 बार यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं चीज़ को मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे सीधी सीधे लाइनें मत डालना, ठीक है। वुड है तो वुड में आप यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये थोड़ा सा ब्लेंड करना आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आप लाइट और ऐसे भी लेकर चल सकते हो आप यहाँ पे, सिंपल पार्ट आपने यहाँ पे लाइट यहाँ पे लिया, ठीक है। ये सेम शेप आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप थोड़ा सा हैवी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इररेगुलर शेप आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, डायमेंशन टूल से मैंने यहाँ पर हल्का हल्का थोड़ा सा इम्पैक्ट दिया, मैं साइज़ हल्का सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर हल्का हल्का, ये जो पार्ट दिख रहा है ये मैं थोड़ा सा ऐसे करके मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा तो मैं उस चीज़ और थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अगर आपको थोड़ा वुड स्कल्पिंग थोड़ा सा डिटेल में जाना तो मैंने यहाँ पे चैनल पे वुड स्कल्पिंग के मैंने अलग से लेवल मैंने दे रखा वहाँ पे, ठीक है। तो आप उनको भी आप थोड़ा सा देख के काम कर सकते हो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन एक्स ऑफ कर देता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पर ऐसा लाइट ये ऐसे भी करके आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको पार्ट यहाँ पे देखिएगा कि मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक होता है, ओके। ये देखा पर बीच के पार्ट आप ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे, लाइक लाइट एंड ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो कि भाई ऐसा कुछ पार्ट हमने दिखाया तो देख रहे हैं। तो मैंने कई जगह सिमेट्रिकल मैंने ऑफ कर दिया, इररेगुलर शेप आप दे सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेलिंग में आप जाओगे तो आप यहाँ पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको वुड में इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे हमने किया, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे जाते हैं सिंपल ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किया क्या वो सेफ हो गया ख़राब, ठीक है। तो एस एम टी ऑफ कर दिया मैंने, डिवाइड 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 5 तक कर दिया, एस एम टी ऑन, ठीक है। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक्स यहाँ पे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं आप, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कम किया और देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लाइंड कर देता हूँ, पॉसिबल है। कॉर्नर पे कैसे खराब होता है देखना, अभी ये पार्ट ऐसे देखना, अभी देन ये पार्ट आपको ऐसे देखना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे काम करने वाला सिमेट्रिकल मुझे इधर नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए,
ट्रांसफॉर्म पे गए, मैंने क्या किया एक्स को ऑफ कर दिया, जेड पे कर दिया, तो जेड दिख रहा है अभी, तो मैं जो भी अब काम करने वाला मुझे जेड पे दिखने वाला, तो डायमी स्टैंडर्ड टूल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इधर ठीक है ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है ये जस्ट इधर से मैं ऐसे थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे, वुड का जो है वापस कटिंग होता है ना, तो ये पार्ट मैं ऐसे दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट ऐसे कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो कर सकता है, ठीक है डीप्रेस करो डिवीजन दो यहाँ पे, ठीक है थोड़ा सा प्रोमिनेंट यहाँ पे, ओके ये जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा कट, यहाँ पे राउंडनेस यहाँ पे दिखाना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे राउंड ये यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ, यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है ऐसा कुछ कट आप यहाँ पे दिखा सकते हो, आप यहाँ पे डीप्रेस करो, आप यहाँ पे डिवीजन के साथ आप थोड़ा सा डील करना है, ठीक है ये यहाँ पे छोटे छोटे कट यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट में दे सकता हूँ आप, ये जस्ट लाइक दिस, ओके मैं ऐसा कुछ मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, बस कुछ ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा लुक एंड फील दे सकता हूँ, ठीक है ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक चीज़ और फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो इधर भी आ गया, मुझे इधर नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया जस्ट यहाँ देखा पे, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है शिफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखो सोलो कर दिया मैंने, तो शिफ्ट क्लिक करके उस लेयर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा मैनेज देखेगा आपका, ठीक है ये जस्ट कनेक्टिविटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ये पार्ट में बस ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा पे जस्ट लाइक दिस, यहाँ देखो ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ तो करना ही पड़ेगा, देखो स्मूथ नहीं कर तो बहुत ऑड सा लगेगा, तो स्मूथ करने के लिए शिफ्ट डी याद रखना, शिफ्ट डी से मैंने डिवीजन कम कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट डी डिवीजन कम करके स्मूथ करूँगा ताकि वो स्मूथ दिखे, अभी आपको आइडिया तो मिल गया होगा भाई स्मूथ का मोटिव क्या है, कुछ जगह में बेनिफिट भी मिलने वाला है तो कुछ जगह लॉस भी होता है, तो हम लोग ऐसे कुछ करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है स्मूथ हो गया, फिर डी डी डिवीजन मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा जो पार्ट आपके पास ऐसा कुछ मिलने वाला है, तो मैं ऐसे कुछ यहाँ पे देखा, ठीक है यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी यहाँ से मैं मैनेज करूँगा, तो अभी मुझे जो काम करना है यहाँ पे मैं जस्ट लाइक दिस यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ठीक है ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आपको किस टाइप से काम करना है, ठीक है ये देखना है ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है यहाँ पे मैं चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपका ऐसे भी है, तो ठीक है थोड़ा सा मैं कनेक्टिविटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिमेट्रिकल कहीं पे मैं बस काम कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, ठीक है यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं टर्न थोड़ा सा इधर से, ठीक है देखो इरेगुलर शेप्स को थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा सा डील करोगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ठीक है एक्स मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ये देखो यहाँ पे, ठीक है ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो काम करना है यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके छोटा बड़ा यहाँ पे लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ डैम स्टैंडर्ड टूल हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है यहाँ देखो छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है ये जस्ट आप लाइट एंड डार्क पेन टेबलेट से बहुत बढ़िया होने वाला है, जब आप ब्रश को आप वहाँ पे सिंपल आप पेन से जब ड्रॉ करते हो तो आपका ब्रश अपने आप लाइट और डार्क वाला काम यहाँ पे दे देगा आपके यहाँ पे, ठीक है तो हम लोग ऐसा कुछ काम करें, शिफ्ट और क्लिक किया मैंने, बाकी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ गई, तो अभी हम लोगों ने आज क्या किया कि हम लोगों ने स्कल्पिंग कर ले, स्कल्पिंग हम लोगों ने दिखाया कि भाई हम लोग कैसे स्कल्प कर सकते हैं, यहाँ पे BPR है, BPR क्लिक करना आप रेंडर पे दिखा सकते हो, ठीक है मुझे दो एंगल में दिखाना है तो शिफ्ट एस, शिफ्ट एस से क्या होता है ये पार्ट ऐसा करते हैं जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है शिफ्ट एस तो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हुआ, ध्यान देना डुप्लीकेट नहीं हुआ, ठीक है तो आप ऐसे करके आप दिखा सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने काम किया वो किस टाइप से काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है जब ये काम हो जाएगा जैसे मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे रेंडर निकालना है, तो मैं रेंडर नहीं निकाला मैं अभी स्नैपशॉट लूँगा, तो प्रिंट स्क्रीन लेना है विंडो प्रेस के SNI स्निपिंग किया मैंने यहाँ पे, और स्निपिंग से मैंने क्या किया यहाँ से ये इमेज मैंने निकाल लिया, मुझे इतना इमेज ही चाहिए, सॉरी आ जाओ यहाँ पे आ जाओ ये पार्ट में बस ऐसा था, ठीक है स्निपिंग कहाँ गया मेरे पास, स्निपिंग इज देयर न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास एक रेंडर यहाँ पे सेव कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेव किया, ठीक है एज ए कंट्रोल वी देन एंटर यहाँ पे या डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया यहाँ पे प्रॉप्स पी और प्रॉप्स, ठीक है प्रॉप्स में गया हम लोग ने यहाँ पे सेव कर दिया, चलो सेव कर दिया, ठीक है तो ये मेरे पार्ट आ गया, बाद में घबराने के मतलब तीन पार्ट आ गया, मैं कंट्रोल एन करूँगा ये चला जाएगा, कंट्रोल एन कर दे बाकी चला जाएगा, मैं कंट्रोल एन ये चला गया, ठीक है तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे हो गया, स्कल्पिंग वाला पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। फाइल को सेव कैसे करोगे, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है सेव करने का, फाइल पे गए सेव एज, ठीक है सेव एज पे गए, सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पे, एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है
ठीक है, जेट बी आर यू एस एच जेट बी एस, ठीक है ये कर दिया मैंने, फाइल पे सेव करना, दूसरा यहाँ पे सेव एज ए टूल का, ठीक है। तो अभी दोनों आप सेव करके देखना, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा।